फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। क्या तहरीर है इस मक्तूब में? अर्तुरुल ने सुल्तान के जारी करदा फैसले के खिलाफ जाते हुए मेरा पीछा किया और गोक्तु को कत्ल कर डाला। मैं अपने तमाम तुर्क कबाइल के साथ शहजादा किले चरसलान को सुल्तान बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। खुशामदीद शहजादे, खुशामदीद फरजंद। अर्तुरुल ने अपने कबीले जाने के बजाय सादतीन का पीछा करके उसे मारने की कोशिश की और उसके गुलाम गोक्तु को मार डाला। गद्दार तुर्कु सरदार, गद्दार तुर्कु सरदार, गद्दार ही, गद्दार ही। तुर्कु सरदार को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं नहीं। अर्तुरुल सरदार, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर हम आपको गिरफ्तार करने आए। तैयारी कर लो जानडुम के सिपाहियों, कल हांडी बाजार को राख का ढेर बना देंगे। सिपाहियों को अंदर ले जाओ। आप यहां इंतजार करेंगे अर्तुरुल सरदार। सुल्तान ने हमें क्यों गिरफ्तार करवाया है अजीज? अतबे शमसुद्दीन अल्तुनबा ने सुल्तान को एक मक्तूब भेजा था जिसमें लिखा था कि सादतीन के गुलाम गोक्तु को आपने कत्ल कर दिया है। दुरुस्त, मैंने किया है क्योंकि गुस्ताख ने अहमद को कत्ल करने की कोशिश की थी। सादतीन की नीयत थी कि वो सच बताने की वजह से अहमद से इंतकाम ले। मैंने वो किया जो जरूरी था। मक्तूब में अल्तुनबा के ख्याल के मुताबिक अमीर सादतीन को भी कत्ल कर दिया आपने और ये भी तहरीर था कि अब आप सुल्तान की जान लेने के लिए यहां पहुंचने वाले हैं। झूठ है, इल्जाम है। ना तो अमीर सादतीन को मैंने कत्ल किया, ना ही सुल्तान की जान लेने की कोई नीयत है मेरी। इसके बरक्स सुल्तान की जान बचाने के लिए रवाना हुआ था मैं। क्या मतलब है आपका अर्तुरुल सरदार? सुल्तान की जिंदगी खतरे में है अजीज, अगर हम वक्त पर न पहुंचे तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। हमें यहां कैद करके तुम मौका फराहम कर रहे हो उन्हें। मेरी जिम्मेदारी आपको गिरफ्तार करके सुल्तान के हुजूर पेश करना है अर्तुरुल सरदार। आपका फैसला सुल्तान खुद करेंगे। वो अपने इल्जामात से सुल्तान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सुल्तान की जान देने की ख्वाहिश रखने वाले अमीर सादतीन और माहपरी खातून हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? मैं जानता हूं अजीज, जानता हूं, बखूबी जानता हूं मैं। सुल्तान के हुजूर जब हम पेश होंगे तो वो भी जान जाएंगे।
दरवाजे बंद कर दो। ये किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? बहुत सख्त जिम्मेदारी है। हमें इन रस्सियों को खोलकर यहां से फरार होना होगा। कल सुल्तान के हुजूर पेश होऊंगा मैं। इंशाल्लाह हमें देर नहीं होगी अहमद। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्तुनबा का सुल्तान को इस तरह का मकतूब भेजने के पीछे यकीनन कोई सबब है। अजीज को उन्होंने वहां से हटवा दिया और मुझे मुजरिम बनाना चाहते हैं। और हमने बच्चों की तरह उनके सामने हथियार डाल दिए। वो यकीनन हमें सुल्तान के हुजूर पेश होने से रोकने की कोशिश करेंगे। हमें इन रस्सियों से निजात हासिल करना होगी अहमद। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अफसा को और मेरे बच्चे को लौटा दे। मुझे उसे जल्द अज जल्द शिफाया फरमा मेरे रब। या रब हमें सीधे रास्ते पर चला दे। हमारी खताओं को माफ फरमा। गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ तू ही बचा सकता है। आमीन। शिफा की मोहताज हमारी बेटी हफ्सा को शिफा अता फरमा गुलाब के सर्क से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। बिला शुबा हर सख्ती के साथ आसानी मौजूद है। बेशक शिफा देने वाली जात सिर्फ तेरी है। शुबा हर सख्ती के साथ आसानी मौजूद है। इस बच्ची पर अपनी रहमत नाजिल फरमा मेरे अल्लाह। शिफा याब कर दे इसे।
आपका खाना आ गया है अर्तुक साहब। मुझे भूख नहीं है मारिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, असियत में मुब्तला कर रखा है खुद को। मुझे डर है कि कहीं आप बीमार ना हो जाएं। मुश्किलात तो पहले भी बहुत आई हैं हम पर, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तुर्गुत और बंसी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, कोई भी शय उनके भाईचारे के दरमियान हायल नहीं हो सकती थी। न जाने किसकी नजर लग गई कि नौबत यहां तक आन पहुंची। एक तजुर्बाकार आदमी है अर्तुक साहब, आप बखूबी जानते हैं कि आपको इन मुश्किल हालात में क्या करना है। अब आपको ये सोचना है कि आगे आप क्या करेंगे। दुरुस्त कहा मारिय खातून, हम इस मुश्किल पर भी काबू पा लेंगे, लेकिन इस वाकये को अर्तुल साहब के सामने कैसे बयान करूंगा समझ नहीं आ रहा। अर्तुल सरदार ने जाने से कबल तुर्गुत को और बंसी को एक अहम जिम्मेदारी दी थी। अब जबकि तुर्गुत मर चुका है, बंसी जिंदान में है, ये जिम्मेदारियां तन्हा कैसे निभा पाऊंगा मैं। तन्हा नहीं है आप, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हम दोनों मिलकर सब मुश्किलात पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मारिया खातून, आपके दिल जोई का। हाजिर हो सकता हूं अर्तुक साहब। आ जाओ। हमने जरूरी इकदामात कर लिए हैं, इस सूरत हाल के बारे में तुम हाइमा खातून को जाकर इत्तला कर दो। तुर्गुत सरदार के जनाजे को कल कबीले ले जाया जाएगा। जैसा आपका हुक्म अर्तुक साहब। करो जहन्नम के सिपाहियों। किसके भेजे हुए पालतू हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये उसी गद्दार के पालतू है। अर्तुल सरदार, आपने कहा था कि आपको सुल्तान की जिंदगी की फिक्र है, मैं भी उन्हीं के लिए सोच रहा हूं। तो फिर हमें फौरन सुल्तान के हुजूर पेश होना होगा। अर्तुल सरदार, बेहतर है आप कोई मुश्किल पैदा ना करें। अजीज, ना तुम्हें और ना ही मुझे सुल्तान के हुजूर पेश होने के लिए पहुंचने देंगे वो लोग। या तो हम मिलकर सुल्तान की जान बचा लेंगे, या फिर हम उनकी मौत का नजारा करेंगे। मेरी जिम्मेदारी आपको सही सलामत सुल्तान के हुजूर पेश करना है। मैं तमाम एहतियाती तदाबीर करूंगा, आप फिक्रमंद ना हो। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, सूरज तुलू होते ही हम निकल जाएंगे।
क्या खबर है? अजीज और अर्तुरुल कारवान सराय में मौजूद है। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों के हाथ बांध दिए गए हैं। बहुत अच्छे, अब हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। वो कभी वहां से नहीं निकल पाएंगे। चलो कारवां सराय जाएंगे हम। तुम में से कुछ सिपाही एंग्ली उसके साथ बाजार के करीब इंतजार करेंगे और बाकी सिपाही मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में छुप के बाजार में दाखिल होंगे। मौका मिलते ही हम हमला कर देंगे। ताजरों के भेस में सिपाही मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। जाओ अब। मेरे हमला करते ही तुम भी अपने आदमियों के साथ बाजार पर हमला कर देना। उम्मीद है इस बार मायूस नहीं करोगे तुम। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हो गई एक बार गलती, दोबारा ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं। अगर अपना सर जमींदार को भिजवाना नहीं चाहते तो गलती मत करना। तैयार हो जाओ सिपाहियों। हमें मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा वालिदा। यकीन कीजिए, हमें आप लोगों से कोई मसला नहीं है। हम बस ये चाहते थे कि सब अपनी रिवायत के मुताबिक चले। बेटी, हम जानते हैं तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। खुद पर बोझ मत डालो, जो होना था वो हो चुका है। अब बस अल्लाह से हमें दुआ करनी है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुर्कुतर बंसी अब तक वापस क्यों नहीं आए? उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी है। तीतान मलून के पीछे गए होंगे वो यकीनन वालिदा। अल्लाह ने चाहा तो दोनों खैरियत से लौट आएंगे। हफ्सा को भी शिफा नसीब होगी इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हफ्सा की तबीयत अब कैसी है हजरत? हफ्सा बेटी के लिए पूरी कोशिश की है मैंने। शिफा अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह से दुआ कीजिए सेहतियाबी के लिए। अल्लाह अपनी रहमत से बेटी हफ्सा को सेहतियाब करे। आमीन आमीन। या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद फरमा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हाइमा खानम? आ जाओ अंदर। हाइमा खानम, मुझे आर्तुक साहब ने यहां भेजा है। आपके लिए बहुत अहम खबर है। मसलों में घिर कर बाजार की अहमियत को फरामोश कर बैठे हैं ये लोग। यही तो मैं चाहता था। बाजार के बीच में पहुंचकर हमला करेंगे, तैयार रहना। सिपाहियों
अर्तुरुल सरदार, वक्त हो गया है चलने का। अजीज, बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो। किसके भेजे हुए पालतू हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये उसी गद्दार के पालतू है। ना ही हथियार डालेंगे हम लोग, ना ही अपनी हुकूमत तुम्हारे मालिक के हवाले करेंगे। अर्तुरुल सरदार, आप सही थे। मार डालो इन सबको। तुम्हारा जख्म इतना गहरा नहीं है, मैं बचा लूंगा तुम्हें। संभालो खुद को। सरदार, मेरी मौत का वक्त आ गया है। तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं अहमद? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत करो। मेरे लिए परेशान ना हो आप। मुझे आपकी बदौलत एक बेहतरीन मौत नसीब हो रही है।
मैं अपने एक दोस्त के लिए जान दे रहा हूं जिसने नई जिंदगी दी मुझे। आप जाइए, अपना फर्ज पूरा कीजिए, सुल्तान को बचाइए। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। बचाओ खुद को, बचाओ, अंदर जाना है हमें, जल्दी चलो सिपाहियों, जल्दी चलो, बचाते रहो खुद को, बचाते रहो। जाओ जवानों, आगे बढ़ो। करेंगे हम लोग, उस तरफ चलो। को अगवा करने की आज तुम्हें सजा देंगे हम। अब फरार होने की कोई राह नहीं मालूम, अब तुम्हारे गुनाहों के हिसाब देने का वक्त आ गया है। खेल खेला तुमने, असल खेल तो अब शुरू होगा और यह एक खूनी खेल होगा।
बहादुर सिपाहियों हमला करो। खातून को अगवा किया था, मेरे बच्चे को अगवा किया था। तुम्हारी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा मलून। दिनों बाद किसी की ऐसी हालत की है मैंने भाई। हाँ, इस मलून ने अच्छी कोशिश की मुकाबले की, लेकिन बमसी के एक ही मुक्के ने इसकी हालत खराब कर दी, ढेर कर दिया इसे जमीन पर। इसका दूसरा साथी एंग्यूस डर कर फरार हो गया। आपके जरिए उसे भी ठिकाने लगा देंगे इंशाल्लाह। तुर्गुत, अफसा और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इसका हिसाब तुमसे लूंगा। अगर किसी को इसका हिसाब देना है तो वो तुर्क सरदार नहीं बल्कि इस सब की जिम्मेदार मारिया है। ये आप क्या कह रहे हैं हर्तु भाई? हमारे दरमियान गद्दार मारिया है बमसी। हर्तु भाई, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मारिया तो आपकी खातून है। ये क्या कह रहे हैं हर्तु भाई? मुझे पूरा यकीन है कि हमारी हर बात तितान तक पहुंचाने वाली सिर्फ मारिया है। लेकिन उस पर इल्जाम कैसे साबित करेंगे? हो जाएगा साबित तुर्गुत, हो जाएगा। मैं एक ऐसा जाल बिछाऊंगा कि हमारे सामने गद्दार भी आश्कार हो जाएगा और उसके साथ वो मलून तितान भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। हमें क्या करना होगा आर्तु भाई? अल्लाह की मदद से हमने अपना इंतकाम ले लिया और मुश्किल से भी छुटकारा पा लिया। चलो अब जल्दी करो और अपने आपस के इख्तलाफात खत्म करते हुए एक दूसरे के गले लग जाओ ताकि ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। शाबाश।
मुझसे गलती हो गई मेरे भाई। हम सब इंसान हैं भाई, इंसान हैं हम सब। हफ्सा की इस हालत में अगवा होने के बाद मैं अपने होश खो बैठा था। हमने उन्हें भी बचा लिया है और इन मलूनों को भी ठिकाने लगा दिया है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का मेरे भाई। हाँ वो भाई, किले में जो सजा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे लिए काफी थी। मुझे खुशी है कि मेरे भाई ने मुझे सजा दी है। तुम्हारी तरफ से मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लूंगा मैं। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, माशाल्लाह मेरा भाई। रुक जाओ, तुम्हारा जख्म अभी बिल्कुल ताजा है। अहमद, अर्थुरुल सरदार, अर्थुरुल सरदार कहां है? अर्थुरुल भाई ने खुद तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी की थी, उसके बाद वो सुल्तान से मुलाकात के लिए चले गए। अर्थुरुल भाई ने अपने लौटने तक तुम्हें हमारे सुपुर्द किया है। मुझे अर्थुरुल सरदार के पास जाना होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जा सकते। हमारे सरदार अल्लाह ने चाहा तो सही सलामत हमारे पास वापस आएंगे, उस वक्त तक तुम्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। हमारे अर्थुरुल सरदार की मदद फरमाए। आमीन। अमीर हजरत, अमीर हजरत, नसीरुद्दीन अली, मैंने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं पाला था, महल में अपना जायज हक हासिल करने के लिए पाला था, सुल्तान की खिदमत करने के लिए। अब तुम्हें वो मकाम मिलने वाला है। बहुत खौफजदा हूं मैं अमीर हजरत। परेशान ना हो नसीरुद्दीन, तुम्हारी सारी परेशानियां आज जब दूर हो जाएंगी। सुल्तान का आखिरी दिन आफियत से गुजर जाएगा इंशाल्लाह।
शहजादा गयासुद्दीन के साथ शिकार पर गए हैं वो। आला, गोया वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने ही शिकार किए गए परिंदों की ज़ियाफ़त में गुजारेंगे। ये उनके गुनाहों और सवाब के दौर का इख्तिताम होगा। तुम्हारे लिए तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मैंने सही कहा ना नसीरुद्दीन अली? जी बिल्कुल ठीक कहा अमीर हजरत। आला, जब काम हो जाए तो खबर करवा देना और यहीं मिलना मुझे, ताकि तुम्हें तुम्हारा हक दे सकूं मैं। अर्तुरुल सरदार यहां आ रहे हैं, सुल्तान उससे बखूबी निमट लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारे लिए मोहतात रहना जरूरी है। आज शब ये सब खत्म हो जाएगा, समझ गए ना तुम? समझ गए या नहीं? जी मैं बिल्कुल समझ गया अमीर हजरत। सुल्तान आज की रात अपने रब से जा मिलेंगे हुजूर। आला, हमारी रियासत तुम्हारी खिदमत की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। जा सकते हो। तुम्हारे भाई किलिज अरसलान और तुम्हारे दरमियान सल्तनत की वली अहद का फैसला कर चुका हूं मैं। बंद करो अपनी ये बकवास। क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? वो दौर है ये लड़की। एरिज मुसलमान हो चुका है, अब उसका नाम अहमद है और सरदार अर्तुरुल का सिपाही बन चुका है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।